भजन छोटा हो सकता है या गाना छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा भाव छोटा नहीं हो सकता है। अगर आपका भाव बहुत ही सुंदर है, बड़ा है, तो मेरा विश्वास है राजजी महाराज जी जीत जाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए कहा मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु से पुरवाले। एक बार हमारे साउंड वाले भैया जी के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। जितने सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं ना, ये भी तन मन से सेवा करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए बुआड़ा से कीर्तन मंडल अपने भाव से एक भजन और आपके समक्ष सभी सुंदर साथ के चरणों में। हमारे बड़े गाया करते थे, आज हम हमको भी मौका मिला है राजी महाराज जी की सेवा करने का। सभी कहेंगे मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। आत्म के धनी मेरी अंतर आत्मा जो है उसके धनी मेरे राजी महाराज, मेरे सतगुरु महाराज। बोले सतगुरु महाराज की जय। सभी कहो मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। ये जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाए, यही एक आश है इस अंतरात्मा की। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से और प्रेम से गले लग जाऊं। जीवन बीता तेरे दर पे, अब तेरी महिमा गाऊं। जाऊं मैं लिपट चरणों से और प्रेम से गले लग जाऊं। आया हूँ शरण में तेरी, आया हूँ शरण में तेरी। मेरे जीवन के रखवाले, जो जो जीवन के रखवाले बनना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर और सभी कहेंगे मेरे साथ आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु तेरे पुरवाले। आत्म के धनी हो मेरे, सतगुरु से। आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए
कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। कण कण में नूर भरा है, ओ तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां तेरे दर्शन को है तरसे। कण कण में नूर भरा है, तेरी रहमत का रस बरसे। दीदार की प्यासी अखियां तेरे दर्शन को है तरसे। पास बुलाने कौन कौन जाना चाहता है राजी महाराज जी के पास? सब जाना चाहते हैं। चंग बजाइए हल्का। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आप तो कह रहे हैं सब जाना चाहते हैं। एक सज्जन हुए, हाथ नीचे कर लीजिए, एक सज्जन हुए, वो अपना काम काज करते थे, उन्हें एक महात्मा जी मिल गए। कौन मिल गए? महात्मा जी। महात्मा जी, एक महात्मा जी मिल गए। महात्मा जी को प्रणाम किया, उन्हें जलपान कराया और कहने लगे, महाराज जी मेरे लिए कोई सेवा बताइए। महाराज जी ने एक ही शब्द कहा कि दुनियादारी कुछ नहीं है, मेरे साथ चल, हरि का भजन करेंगे, दोनों आश्रम में रहेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कुछ करिए या मत करिए, ताली बजाइए या मत बजाइए, लेकिन एक जय घोष जरूर लगा दीजिएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, ये बात। सज्जन ने कहा, नहीं महात्मा जी, मेरे पीछे मेरा परिवार है, मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं। नुको अच्छा, नुको आज मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, ना परिवार होता कुछ, ना माँ बाप होते, ना कोई नहीं होता, जो होता है मेरे राजी महाराज, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। जब इतना सुना सज्जन ने तो कुछ बात आ गई दिमाग में, कहने लगे, महात्मा जी मुझे क्या करना चाहिए जो आप साबित कर दो अपनी बात को। महात्मा जी ने कहा, तुम 10 दिन मेरे पास आना, मैं आपको एक योग विद्या सिखा दूंगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। योग विद्या क्या थी? 1 दिन 1 मिनट सांस रोकने की योग विद्या सिखाई, दूसरे दिन 2 मिनट, ऐसे ही कम से कम आधा घंटा सांस रोकने की योग विद्या सीख ली सज्जन ने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब उसे कहा कि अपने घर जाना और यही योग विद्या कर लेना, सांस बंद कर लेना। क्या कर लेना? सांस बंद। सुबह ही गया दुकान से घर पे, चक्कर खा के और सांस, माँ भी परेशान, पिताजी भी परेशान, घर वाले भी परेशान, बच्चे भी परेशान। अरे ने हुआ तो हुआ क्या, डॉक्टर को बुलाया नुको जी। ये तो घर वालों ने सोचा, एक महात्मा जी के पास जाया करते थे ये रोज, महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, वहीं आश्रम में। आश्रम में से गए, महात्मा जी को सारी कहानी बताई, महात्मा जी को तो पता था। कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। कहने लगे, महात्मा जी चलो जी जल्दी। महात्मा जी ने एक पुड़िया नमक की बनाई चुपके से और जेब में रख ली। नुको मैं यो दवाई ले लूं? नुको ठीक है। महात्मा जी कह रहे, मेरे शिष्य क्या हो गए तुझे? बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महात्मा जी ने ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कर रखा जी ने, अब पता चल जाएगा दुनियादारी कैसी हो गए। नुको जी सुनो, इससे लगी बहुत तगड़ी बीमारी हो तो बिल्कुल हो लिया, परम धाम जा लिया जी, टिकट कट गया। हाँ, और घरवाली रोवे और माँ रोवे, अरे यो हो गया, और मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती। और घरवाली कह रही, इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। माँ नु कह रही, इसकी जगह तो मैं ही चली जाती, यो क्यों चला गया। पिताजी एक हाल करे, पड़ोसियों ने भीड़ लगा ली। महात्मा जी ने कहा, एक रास्ता है, ये जीवित हो सकता है। और जी महात्मा जी बता दो, बस सब खुश हो गए। नुको यो पुड़िया गिलास में घोल लो, जो इसे पिएगा वो तो मर जाएगा, जो इसे पिएगा वो तो मर जाएगा, अरे वो जिंदा हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब जो पड़ोसी थे वे तो सहज में ही सरक लिए, वे तो सरक लिए, नुको जी हमें तो काम है। महात्मा जी ने कहा पिताजी को, अजी तुम पी लो, तुम्हारा लड़का है, मैंने पैसे दे रखे ब्याज पे और काम धाम भी है, उसे कौन देखेगा। बहुत बढ़िया।
मां को कारी तो तुम कहती मेरी जगह यो चला जाइए। अरे मैं ले तो लेती, ये पोते हैं ना कौन खिलाओगा। ठीक है बहु को कह ले तू पी के देख ले, और जब ये ही नहीं है तो मैं क्या करूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महात्मा जी ने कहा मैं पी लू तो सारे करो महाराज कम पी लो बस, महाराज की फिक्र नहीं है। महाराज जी ने कहा लो मैं पी रहा मेरा शिष्य है। महाराज जी ने गिलास एकदम पी के उनको खड़ा हो जा, वो खड़ा उनको बता कौन है तेरा कोई। तो इसलिए कण कण में नूर भरा है तेरी रहमत का रस बरसे, कण कण में नूर भरा है तेरी रहमत का रस बरसे, दीदार की प्यासी अखियां तेरे दर्शन को है तरसे, कण कण में नूर भरा है तेरी रहमत का रस बरसे, दीदार की प्यासी अखियां तेरे दर्शन को है तरसे। दोनों हाथ उठाकर कहो ना आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से पुरवाले, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से विधि विधि वाली बजा के जो सुंदर साथ शेरपुर जाते हैं वो हकीकत जानते हैं। क्या जानते हैं? धन धन्य है दाम धनी का, धन धन्य है दाम धनी का, इसलिए धनी तेरा भजन करूं मैं, धन धन्य है दाम धनी का, धनी तेरा भजन करूं मैं, मेरे जीवन तुझे सत सत नमन करूं मैं, धन धन धनी का, धनी तेरा भजन करूं मैं, मेरे जीवन के हो मालिक तुझे सत सत नमन करूं मैं। ओ फरियाद करूं मैं तेरे दर पे, ओ फरियाद करूं मैं तेरे दर पे, जग से तू मुझे बचा ले। हमारे बड़ों ने लिखा था कि पापों से मुझे बचा ले, अगर इस जग से बच जाएगा तो पाप आने के ही नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सभी मिलकर कहो ना आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से रे पुरवाले, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से रे पुरवाले, मेरा जीवन तेरे हवाले, मुझे पग पग तू ही संभाले, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से रे पुरवाले, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से रे पुरवाले, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से रे पुरवाले, आत्म के धनी हो मेरे सतगुरु से रे पुरवाले। निजानंद स्वामी की स्वामी